नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, क्या पशुपति व्रत माल मास में शुरू करें या ना करें। पशुपति व्रत कब से शुरू करें और कितनी संख्या में करें। पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि और अध्यापन विधि और कुछ सवालों के जवाब, इनके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखें, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पशुपति व्रत कब से शुरू करें और कब से ना शुरू करें। देखिए, पशुपति व्रत वैसे तो आप किसी भी महीने के किसी भी सोमवार के दिन से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी नहीं देखा जाता और माल मास और खर मास भी नहीं देखा जाता, परंतु हमारा मानना है कि ये मनोकामना पूर्ति व्रत है। अगर आप माल मास में ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई वहम नहीं, कोई शंका नहीं, तो आप माल मास में शुरू कर सकते हैं। आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि इसमें किसी भी मुहूर्त को नहीं देखा जाता। ये व्रत तो खुद ही इतना चमत्कारी है, इसको किसी मुहूर्त की जरूरत ही नहीं। अगर आपकी कोई कामना काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही, शादी विवाह की हो या संतान की हो या नौकरी संबंधी हो या धन संबंधी हो या फिर कोई भी मनोकामना हो, A to Z मनोकामना आपकी इस व्रत को करने से पूर्ण होगी और A to Z आपकी परेशानी भी दूर होगी। इस व्रत को आप एक बार करके तो देखिए, एक बार आप इस लाइन में खड़े होकर तो देखिए, आपका नंबर जरूर आएगा। इस व्रत को और अध्यापन को आपने माल मास खार मास में और मासक धर्म में और सूतक पातक में आप इस व्रत को ना तो शुरू करें, ना ही आप इस व्रत का अध्यापन करें। इन दिनों के बाद आप अपने व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। बेशक आपको एक दो व्रत ज़्यादा रखने पड़ जाए, आप एक दो व्रत ज़्यादा रखकर इन दिनों के बाद ही व्रत का अध्यापन करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप व्रत शुरू करें तो व्रत को संकल्प लेकर ही शुरू करें, क्योंकि व्रत को जब हम संकल्प लेकर शुरू करते हैं तो अधिक फलदायी होता है और आपकी मनोकामना भी शीघ्र पूर्ण होती है। इस दिन व्रत को शुरू करना, उस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। काले नीले रंग के वस्त्रों को छोड़कर आप किसी भी कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक थाली तैयार करनी है। थाली में आप पंचामृत रखें या फिर एक जल का लोटा रखें। इससे ज़्यादा आपको पशुपति व्रत की सुबह की पूजा में कुछ नहीं चाहिए। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। अगर आपके पास पंचामृत भी नहीं उपलब्ध है तो आप जल से शेक करके भी इस व्रत का पूजन संपन्न कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा अगर आपका समर्थ है तो आप फल फ्रूट या फिर आप भोग प्रसाद कोई भी ले जा सकते हैं। बेलपत्र हैं, छमी पत्र हैं, कोई भी फूल पत्ती है आप ले जा सकते हैं। वैसे आपको पशुपति व्रत की पूजा में, सुबह की पूजा में आपको सिर्फ पंचामृत और जल ही चाहिए होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपका समर्थ है तो और चीज़ें आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर जाएं। मंदिर जाकर सबसे पहले आपने जल अर्पित करना है। उसके बाद आपने पंचराम से अभिषेक करना है। उसके बाद फिर आप जल अर्पित करें। उसके बाद आप फाड़ मिष्ठान लेकर गए हैं या फिर आप बेलपत्र लेकर गए हैं, वो सभी चीज़ें अर्पित करें और पूजा को संपन्न करें, आरती करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। और शिव पूजा के बाद आप नंदी महाराज की पूजा अवश्य करें। नंदी महाराज की पूजा के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। घर आकर आप जल फल फलाहार कर सकते हैं। उसके बाद आपने वही थाली, जो थाली आप सुबह लेकर आए, उस थाली को आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में रख सकते हैं या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर आपके जूठे हाथ ना लगे। उस थाली को आपने साफ नहीं करना, चाहे उस पर कोई भी निशान लग जाए, परंतु आपने उस थाली को साफ नहीं करना। शाम के समय फिर आपने उस थाली को लेकर जाना है। शाम के समय आपने उस थाली में
छे दीपक शुद्ध घी से भरकर गोल बात शुद्ध घी से भरकर गोल बाती लगाकर रखने हैं। दीपक आप दिए आप आटे के भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं, धातु के भी ले सकते हैं। जो आपके पास उपलब्धता है वो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आपने 3 कटोरी जो आपने फलाहार की बनाई है वो लेकर जानी है। कटोरी आप कवर करके लेकर जाएं। पूरे का पूरा प्रसाद आपने शिवलिंग को टच नहीं करवाना है। 3 कटोरी आपने प्रसाद की लेकर जानी है। उसके बाद आपने शाम के समय फिर मंदिर जाना है। शाम के समय अगर आपने माल त्याग किया हुआ है तो 100% आपको स्नान करना होगा। अगर आप बाथरूम वगैरह गए हैं तो आप अपने ऊपर जल की छींटे लगा रहे और मुँह हाथ धोकर आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। शाम के समय जब आप उस थाली को 6 दीपक रख कर लेकर जाएंगे और 3 प्रसाद की कटोरी रख कर लेकर जाएंगे और माचिस की डिबिया लेकर जाएंगे तो आप सबसे पहले मंदिर में जाकर 5 दिए जलाएं। 5 दिए जलाने के बाद आप जो 3 कटोरी फलाहार की प्रसाद के रूप में लेकर गए हैं 2 कटोरी आपने शिवलिंग के सामने वैसे की वैसी रखनियाँ टच नहीं करवानी। जो आपने अपनी थाली में रखनी है कटोरी उसे उसे रखी रहने दे वैसे ही। उसे नहीं आपने शिवलिंग के सामने रखा, सिर्फ आपने 2 कटोरी को ही शिवलिंग के सामने रखना है। तीसरी कटोरी आप थाली में ही रखी रहने दें और 1 दीपक आप थाली में रखें बिना जलाए। उसके बाद आप बाकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके जहाँ जल अर्पित करने की अनुमति है तो जल अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई बात नहीं, आपने सुबह जल अर्पित किया है, पंचराम से अभिषेक किया है, कोई बात नहीं, बिना पंचराम बिना अभिषेक से भी आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती करें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और 1 कटोरी और बिना जलाए दिया लेकर आप अपने घर आ जाएं। जब आप मंदिर के सामने दीपक जलाएं, जब आप पहला व्रत रखें और दीपक जलाएं तो आप पहले ही अपनी मनोकामना भगवान शिव जी भोलेनाथ जी के सामने रखें। जलाए 1 दिया बिना जलाए और 1 कटोरी प्रसाद की अपनी थाली में रखकर आप अपने घर आ जाएं। घर आकर राइट हाथ में आप बैठकर अपनी मनोकामना बोलते हुए दीपक जलाएं। उसके बाद आप अपने घर में प्रवेश कर जाएं। उसके बाद आप सबसे पहले प्रसाद को जो मंदिर में लेकर आए हैं 3रा हिस्सा उसे ग्रहण करें। उसे आपने खुद ही खाना है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई चीज़ खाने में नहीं लेनी है। हाँ, आप फल ले सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं, परंतु आपने कोई खाने में भोजन वगैरह नहीं लेना। भोजन आपने एक समय ही ग्रहण करना है। इसी प्रकार आपने 500 सोमवार करना है। उस जब आपका 5वां सोमवार आएगा, 5वें सोमवार को आपने 1 नारियल लेकर जाना है। वो पानी वाला नारियल लेना है। उस पर आपने 11 रुपये रखने हैं और 5 बार आपने मौली लपेट कर शिवलिंग के सामने रखना है। वो आपने सुबह की पूजा तो आपने 5वें सोमवार को भी वैसे ही करनी है। ये सब काम आपने प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल में 5वां सोमवार आपने सुबह की पूजा और शाम की पूजा एक ऐसे ही करनी है जैसे आपने पहले सोमवार को की है, परंतु थोड़ा सा 5वें सोमवार को फर्क आ जाता है। 5वें सोमवार को आपने 1 नारियल भी साथ में लेकर जाना होता है। नारियल पर आपने 5 बार मौली लपेटनी है और 11 रुपये लेने हैं। वो आपने शिवलिंग के सामने रखना है। 5 दीपक आपने जलाने हैं और 3 कटोरी जो प्रसाद की लेकर गए 2 कटोरी आपने शिवलिंग के सामने रखनी है और 1 कटोरी और 1 कटोरी प्रसाद की और 1 दिया बिना जलाए आप अपनी थाली में रख सकते हैं। बस आपने 5वें सोमवार को इतना ही करना है। आपके व्रत इस तरह संपूर्ण होंगे। आप अपनी पूजा को संपन्न करके आप अपने घर आ जाएं। 5वें सोमवार को भी जो दिया आप बिना जलाए लेकर आए हैं उस दिए को आप घर में एंटर करने से पहले
आप राइट हाथ में जला दें। उसके बाद आप अपने घर में एंटर कर जाएं और पांचवें सोमवार को भी आपने उसी तरह पहले प्रसाद ग्रहण करना है और फिर भोजन ग्रहण करना है। उसके बाद आपने अध्यापन के दिन भी आपने कुछ भी नहीं ग्रहण करना। हाँ, फल जल आप ले सकते हैं। इस तरह आपके व्रत संपूर्ण हुए। पांचवें सोमवार को आपने 108 बेलपत्र भी लेकर जाने हैं। अगर आपको 108 बेलपत्र ना मिले तो आप 108 दाने चावल के वो साफ होने चाहिए वो ले जा सकते हैं, हरी मूंग के दाने ले जा सकते हैं, या फिर कोई भी फ्लावर ले जा सकते हैं, या फिर शमी पत्र ले जा सकते हैं। जो चीज़ आपको मिलती है इनमें से वो आप ले जा सकते हैं। इस तरह आप अध्यापन करें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद आप दोबारा भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। शाम की पूजा आपने प्रदोष काल में करनी है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। इस समय के बीच बीच आपने शाम की पूजा संपन्न करनी होती है। पूजा आपने पशुपति व्रत की पूजा आपने एक ही मंदिर में करनी होती है। मंदिर आपने बार बार बदलना नहीं होता है। मासिक धर्म में आपने व्रत तो करना होता है परंतु पूजा आपने नहीं करनी होती है। ना ही आपने मासिक धर्म में दीपक लगाने होते हैं, ना ही आपने प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं, सिर्फ आपने व्रत ही करना होता है। व्रत आपने इसलिए करना होता है ताजो आपके व्रत खंडित ना हो। जो इस प्रसाद आप शाम के लिए बनाते हैं उस प्रसाद को वो प्रसाद आपको पूरे का पूरा मंदिर में नहीं लेकर जाना है। उस प्रसाद में से 3 कटोरी ही आपने निकाल कर लेकर जानी है। हमने ऐसे ही व्रत किया है। हम भी 3 कटोरी ही लेकर जाते थे। हमारी हर इच्छा भगवान शिव जी भोलेनाथ जी ने पूर्ण की है। अगर आप दान का सामान कोई लेकर गए हैं ब्राह्मण को देने के लिए, आपको ब्राह्मण नहीं मिलता तो आप किसी आस पड़ोस के ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर आप शिवलिंग के सामने रख कर आ सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं।